नए साल का जश्न विदेश में मनाने का सपना होगा पूरा, कम बजट में करें इन देशों की सैर। नया साल और क्रिसमस दोनों ही नजदीक है और बहुत से लोगों ने अपनी छुट्टियां कहां बितानी है इस बारे में प्लान भी कर लिया है। अगर आप विदेश में घूमने की सोच रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सी जगह बेस्ट होगी, तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड होगी। सबसे खास बात की यहाँ पर घूमने के लिए आपकी जेब पर भी बहुत बोझ नहीं पड़ेगा। कंबोडिया भारत के लोगों के लिए कंबोडिया एक अपबीट डेस्टिनेशन के रूप में मशहूर हो रहा है। सबसे खास बात है कि इस जगह की सैर के लिए आपको ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे। साथ ही कंबोडिया में भारतीयों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा भी मिलती है, जिसकी मदद से पूरे 30 दिन तक कंबोडिया की सैर की जा सकती है। इस देश में अंकोर वाट का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर देखने के लिए बहुत से सुंदर नज़ारे हैं। कंबोडिया जाने के लिए एक व्यक्ति फ्लाइट का टिकट 25,000 रुपए का होता है। वियतनाम, अगर आप किसी शांत और खूबसूरत देश में नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं जहां पर चारों ओर हरियाली और सुंदर नज़ारे बिखरे पड़े हो, तो वियतनाम बढ़िया जगह होगी। इस प्रकृति से भरे नज़ारे वाले देश में आपको नदी, पहाड़, झरने, गुफाएं, लजीज खाने के साथ ही यहां रहने वाले लोगों का मिलनसार व्यक्तित्व भी देखने को मिलेगा। वियतनाम जाने के लिए कोलकाता से एक तरफ की फ्लाइट का किराया करीब 28,000 रुपए है। इस देश में हनोई, हो ची मिन्ह और हालोंग जैसे शहर घूमने के लिए है। थाईलैंड भारतीय लोगों की पहली पसंद विदेश में घूमने की थाईलैंड है। हर साल यहां पर आने वाले सैलानियों की संख्या में इजाफा हुआ है। अगर आपका प्लान भी इस खूबसूरत बीचों वाले देश को घूमने का है, तो यहाँ पर जाने के लिए एक तरफ का फ्लाइट का किराया करीब 16,000 रुपए है। थाईलैंड घूमने की सोच रहे हैं तो बहुत से पैकेज भी ऑफर में मिलते हैं, जिनकी जांच पड़ताल करके जाने में फायदा भी मिल जाता है। मलेशिया, सस्ते में विदेश की सैर का मजा परिवार के साथ लेना चाहते हैं तो मलेशिया एक बढ़िया जगह है। यहाँ पर देखने के लिए अनोखे थीम पार्क, जंगल के साथ ही शहर भी है। इस देश के शहरों को घूमना भी अपने आप में दिलचस्प है। मलेशिया जाने के लिए कुआलालंपुर की फ्लाइट का टिकट करीब 16,000 रुपए का होगा। इस देश में रुकने के लिए होटल भी बेहद सस्ते में मिल जाएंगे।